पौड़ी मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पानी की समस्या से परेशान हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य मनीष भट्ट ने बताया कि यहां 10 से 15 दिन से विद्यालय और विद्यालय के स्टाफ के कक्षों में पेयजल आपूर्ति बाधित है। जब इस बारे में जल संस्थान से शिकायत की तो कुछ दिनों तक पानी की पूर्ति की गई, लेकिन अनियमित जलापूर्ति के चलते विद्यालय प्रबंधन और छात्रों को समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल से तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर दूर मुख्यालय पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास से पानी भरकर लाना पड़ता है। उन्होंने विभाग से जल्द पेयजल आपूर्ति की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में विभाग के आला अधिकारियों ने पानी की समस्या खत्म करने आश्वासन दिया। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। पौड़ी में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से हो रही है। विभाग के फिल्टर द्वारा लाइन का फॉल्ट ढूंढा जा रहा है। संभवतः कल तक पानी की सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। यहाँ पर अगर मैं छोटे बच्चों की बोलूँ तो उनको यूरिनल वगैरह में जो है ना सफाई सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे कई सारी बीमारियाँ भी बच्चों को हो सकती हैं। हाथ धोने के लिए दिन में जो है ना लंच पीरियड होता है, उस समय उनको पानी की जो है ना समस्या आ रही है। इवन देर यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स है, स्टाफ क्वार्टर में जो है ना टीचर्स को नहाने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। हमारी कैंटीन है, कैंटीन में भी जो है ना टीचर्स वगैरह बच्चे वगैरह सब कुछ खाते हैं। बहुत सारी समस्या,